तो सूर्य की शुरुआत होती है और हमें एक सेट के चमचमाते हुए सवेरे का सीन दिखाया जाता है। लेकिन कुछ ही पलों में सवेरा अचानक से ही काले बादलों से घिर जाता है और यहाँ पर तेज हवाओं के साथ अंधकार फैलना शुरू हो जाता है, जिस पर ऊपर से कोई आवाज बहुत ही गुस्से में किया था, टाइलिंग सेट तुम्हारी इतनी हिम्मत की तुम डीमन सेट से पंगा लो। और अब इस आवाज कितना किया था, यहाँ चारों तरफ थंडर बरसने शुरू हो जाते हैं। तब इस सेट के डिसाइबल बहुत ही पैनिक होते हुए किया था, ये तो डीमन सेट के लोगों के आने का संकेत है, मगर वो कमीने लोग हमारे टाइलिंग सेक्ट में क्यों आ रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि आज वो हम सबको खत्म करके इस सेक्ट पर कब्जा कर लेंगे। जिस पर तभी आप कुछ मास्क लगाए हुए लोग आ जाते हैं, जो आते हुए कहते हैं टाइलिंग सेक्ट वालों हमारी लास्ट वार्निंग है, चुपचाप सुसजूरा को हमारे हवाले कर दो। तो इस सेट की एलर्डी से क्या ये तो सच में डीमन सेट वाले हैं। इसमें 5 अर्थ लेवल का लिबेटर और एक कॉस्मोस लेवल का मास्टर है, और यह मास्टर को और नहीं बल्कि नालिंग है, जिसने अपने सेट के ऑर्डर पे ना जाने कितने पावरफुल मास्टरों को खत्म किया है। गाइस इस सीरीज में आगे बढ़े पहले मैं कल्टीवेशन लेवल्स को समझा देता हूँ। इस सीरीज में टोटल 12 मेन लेवल्स है, जो की नीचे से ऊपर की तरफ कुछ इस तरह से है। प्री सेलेस्टियल, पोस्ट सेलेस्टियल, लेटर सेलेस्टियल, ग्रेट सेलेस्टियल, ऑफ अर्थ सेलेस्टियल, ऑस्मोस सेलेस्टियल, स्टार सेलेस्टियल, डिवाइन सेलेस्टियल। इसके अलावा आखिरी 4 मेन लेवल मास्टर, ग्रैंड मास्टर, एम्परर और सुप्रीम है। और जो पसंद सूर्य विलम्स को भी ब्रेक कर लेता है उसे इटरनल कहते हैं। लेकिन इस कॉन्टिनेंट में ज्यादातर लोग यही 12 मेन लेवलों में कल्टीवेट करते हैं, और इन 12 मेन लेवलों में सबका अपना अपना 9 सब लेवल्स है, जिस पर अभी लोग सामने खड़े करते हुए टाइलिंग सेट के डीन आ जाते हैं, जो बहुत ही गुस्से में कहते हैं कि आखिर मैंने तुम्हारे डीमन सेट का क्या बिगाड़ा है, जो तुम यहाँ पर आके तबाही मचा रहे हो। जिस पर ये मास्टर टाइलिंग कहता है कि तुम्हारे सेट के एक पर्सन ने हमसे दुश्मनी मोल ली है, इसलिए उस पर्सन को चुपचाप हमारे हवाले कर दो, उसका नाम अजूरा है। तो इस नाम को सुनकर टाइलिंग सेक्ट डिसाबल आपस में बात करते हुए कह रहे हैं कि अजूरा, लेकिन हमारे सेक्ट में तो इस नाम का कोई है ही नहीं, लगता है ये लोग इसे ढूंढ रहे हो किसी दूसरे सेक्ट का होगा, क्योंकि हमारे टाइलिंग सेक्ट जैसा एक वीक सेक्ट कभी डीमन सेक्ट को ऑफेंड करने की कोशिश नहीं करेगा। जिस पर डीना अपने सामने मौजूद एल्डर से पूछते हैं कि हमारे सेक्ट में अजूरा नाम का कोई एल्डर है, तब एल्डर कह रहे हैं कि नहीं। जिस पर डीन कह रहे हैं तो फिर क्या हमारे सेक्ट में ऐसा कोई डिसाइबल है, तब एल्डर कह रहे हैं डीन हमारे सेक्ट में टोटल मास्टर और डिसाइबलों को मिला के 560% है, और मुझे क्लियरली याद है कि उनमें से कोई भी अजूरा नाम का पर्सन हमारे पास नहीं है। जिस पर डीन अभी मास्टर से कह रहा है, सुना तुमने हमारे सेट में अजूरा नाम का कोई पर्सन नहीं है, तो अभी मास्टर कह रहा है डीन जान लास्ट बार क्या रहा, शिव उस आदमी हमारे हवाले कर दो, वरना फिर मुझे मजबूरन तुम्हारी सेट को डिस्ट्रॉय करके उस पर्सन को ढूंढना होगा। जिस पर डीन थोड़ा इरिटेट होते हैं, क्या भले मेरा टाइलिंग सेट कोई बड़ा सेट नहीं है, मगर हम इतने वीक नहीं है कि तुम्हारी छोटी बातों का विरोध ना कर सके। तभी मास्टर बहुत ही गुस्से में कह रहा है कि तुम्हारी ये मजाल की तुम हमसे उसी आवाज में बात करो, लगता है आज पूरे टाइलिंग सेट वालों का आखिरी दिन है। और इतना कह रही है मास्टर अपनी पावर से यहाँ अपने जाइंट डीमन हैंड को अपेयर कर लेता है, जिसके बाद डीन को मसलने के लिए इसे आगे भेजने लगता है। तब डीन भी अपने स्वॉर्ड को अपेयर करते हुए डीमन हैंड को डिस्ट्रॉय करने के लिए भेजते हैं, मगर चूंकि डीन इस आदमी के मुकाबले बहुत ही ज्यादा वीक थे, इसलिए काफी जोर लगाने के बावजूद भी ये मास्टर डीन के स्वॉर्ड को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से डीन पीछे की ओर हटते हुए थोड़ा इंजर्ड हो जाते हैं। तभी मास्टर अपने लोगों से कहता है टाइलिंग सेक्ट वालों के ऊपर अब कोई भी ध्यान मत दिखाना, ग्रेट रिवर सिटी से आज इस सेक्ट का नाम निशान मिट जाना चाहिए। जिस पर टाइलिंग सेक्ट डिसाइबल इस बात पर विरोध जताते हुए कहता है हमारे होते तुम ऐसा कभी भी नहीं कर पाओगे। तभी मास्टर बहुत ही जोर से हंसते हुए अपने अटैक को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना लेता है, जिसके बाद प्रेशर की वजह से जो डिसाइबल भी उछल रहे थे वो तुरंत ही अपने घुटनों पर आ जाते हैं। तब डीन सैन कहते हैं हमारा टाइलिंग सेट लगभग 700 साल पुराना है, पर हमने आज तक किसी से भी कोई दुश्मनी मोल नहीं ली, तो फिर तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो। जिस पर मास्टर कहते बताया था कि उस पर्सन अजूरा को हमारे हवाले कर दो, मगर तुमने मेरी बात नहीं मानी। तब डीन कहते हैं लेकिन उस नाम का तो हमारे सेक्ट में कोई है ही नहीं बाशर्ट, तुम किसी को ढूंढने नहीं आए बल्कि जानबूझकर हमारे सेक्ट को तबाह करना चाहते हो। जिस पर मास्टर कह रहा है कि फिर से झूठ, और इतना कह गई अपने डीमन हैंड से सेक्ट को तबाह करने के लिए बढ़ने लगता है। तब डीना बहुत ही लाचार हो गई, खुद से कह रही काश कोई चमत्कार हो जाए, हे ऊपर वाले मेरे इस कमजोर सेक्ट को बचा लीजिए। जिस पर तभी आप आसमान से एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी रिलीज होती है, जो इस डीमन हैंड को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। तभी देखकर खुद ये मास्टर भी अब बहुत ही शौक होते हुए कह रहा है कि क्या आखिर ये है क्या। जिस पर अभी एनर्जी अपने आप ही एक ड्रैगन में कन्वर्ट हो जाता है। तभी देखकर सारे डीमन सेट वाले कह रहे हैं ये तो सच में किसी पावरफुल मास्टर का अटैक है। जिस पर ये मास्टर अपने अटैक को डिस्ट्रॉय होता हुआ देखकर कह रहा है कि भागो यहाँ से, वरना हम सब नहीं बचेंगे। तभी ना सुंदर डीमन सेट वाले अब भागने में लग जाते हैं, मगर तभी अटैक अभी जोरदार एक्सप्लोजन के साथ फट जाता है, जिसकी वजह से डीमन सेट वाले बहुत इंजर्ड होकर दूर गिरते हैं। तभी मास्टर कह रहे हैं आखिर सेट में इतना पावरफुल पर्सन कैसे है, जिस पर इतना कह रहे इसका मास्क भी ब्रेक हो जाता है। तभी अब बैठते हुए सामने की ओर देखे क्या रही, क्या ये तो बस एक मामूली सा पत्ता है, क्या अभी हमारे ऊपर जो अटैक हुआ वो बस एक मामूली से पत्ते से हुआ। जिस वटीन भी अब बहुत ही शौक होते हैं क्या रही कि बस एक मामूली पत्ते से इतनी टेरिफाइंग अटैक को क्रिएट कर पाना जिससे कि दुश्मन घुटने पे आ जाए। ये तो हमारे टाइलिंग सेट का 700 साल पुराना ड्रैगन लीफ टेक्निक है, मगर इस सेट में मेरे मास्टर के अलावा कोई भी टेक्निक प्रैक्टिस नहीं कर पाया था, यहाँ तक कि मैं भी नहीं, तो फिर आखिर ये हुआ कैसे।
दावड़ी साहब लोग आप कहने लगते हैं कि अरे बाप रे बाप, हमारे सेठ भी इतने पावरफुल पर्सन है और हमें पता भी नहीं। जिस पर आयो मास्टर किया था इस जरूरी सेठ में कुछ छुपा हुआ बहुत ही पावरफुल पर्सन है, इसलिए जितनी जल्दी हो सके निकलो यहाँ से सब। दावेदा सुंदे सारे डीमर सेठ वाले तुरंत ही यहाँ से भाग जाते हैं, जिसे देखकर डीन कहते हैं कि आखिर हमारे सेठ में इतने पावरफुल लोग आए कहाँ से। मास्टर के बाद इस सेठ में कोई पावरफुल जीनियस नहीं निकला था। और अब सीन चेंज होता है, हम दे देखिए लो भागते हुए फॉरेस्ट में आ गए थे। जहाँ पर ये मास्टर अभी शहनी सांस लेते हुए कह रहा है इताली सेट तो एक वेस्ट सेट है, तो फिर उसमें उतना पावरफुल पर्सन कहाँ से आया। तब पीछे वाला डिसाइबल किया था कि बॉस क्या पता वो बस एक कोई इंसिडेंट हो। जिस पर ये मास्टर बहुत ही छिड़ते हुए किया था कि उस पर्सन ने बस एक पत्ते से हम सबका बैंड बजा दिया। और तुम कह रहे हो कि ये सब बस एक कोई इंसिडेंट था, उसने मुझे इंजर्ड कर दिया, इसका मतलब वो कम से कम ऑसमोस लेवल का कल्टीवेटर तो होगा ही। तब ये लोग बहुत ही शौक होते हुए कहते हैं कि क्या, लेकिन उस सेट में तो जो डीन था उसकी लेवल खुद ही अर्थ लेवल पर थी। जिस पर ये मास्टर कह रहे थे अच्छा हुआ कि हम लोग समय रहते वहाँ से भाग गए, वरना वो हमें जिंदा नहीं छोड़ता। तब ये लोग बातें कर ही रहे होते हैं तभी पीछे से कोई कह रहा है क्या तुम लोग मेरे बारे में बात कर रहे हो, जिसे सुने ये लोग पीछे मुड़ के देख रहे हैं सामने एक 15-16 साल का बच्चा खड़ा है जो इनकी ओर देख रहे बहुत ही मस्त स्माइल दे रहा था। तब सीन चेंज होता है, हमें वापस तैतालीस सेट का सीन दिखाया जाता है जहाँ डिसाइबल आपस में बातें करते हुए क्या देखिए एक एक करके हमारे सेट के सारे सीनियर डिसाइबल मारे जा चुके हैं। जब भी हमारे सेट में कोई जीनियस उभरता है तो उसे अलग अलग रीजन से दूसरे सेट के लोग मार डालते हैं। हमारे डीन के भी दो बेटे थे बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड, मरुण का भी वही हाल हुआ, एक क्लास से न्यू माउंटेन में मिले तो दूसरे को बिस्टो हंडी करते हुए किसी दूसरे एक डिसाइबल ने घेर के मार डाला। बेचारे हमारे डेन दो दो बेड़ों खोने बावजूद भी कुछ भी नहीं कर पाए क्योंकि हमारे सेट की कल्टिवेशन लेवल बहुत ही ज्यादा लो है। और देखो आज वो डीमन सेट वाले भी ऑलमोस्ट हमारे टाइलिंग सेट को डिस्ट्रॉय करने ही वाले थे। तब ये लड़की जो कि डीन की बेटी लूमिंग है, ये पूछती है फादर क्या सच में उस मिस्टीरियस पर्सन ने बस एक ही पते सुन सबको भगा दिया, जिस पर डीन कह रहा है कि हाँ बेटी उस पर्सन ने बस एक ही पते सुन सबको भागने पे मजबूर कर दिया, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है हमारे सेक्ट में सालों से कोई ऐसा जीनी अभी तक नहीं उभरा है। वेल जो हुआ सो हुआ बेटी, अब तुम पर्सनली जाके देखो क्या हमारे सेक्ट में असुरा नाम कोई पर्सन है, क्योंकि डीमन सेट वाले उसे लेने के लिए आए थे। तब लूमिंग भी यस फादर कहती है, जिस वजह से हम वापिस से फॉरेस्ट का सीन देखते हैं जहाँ ये लोग साइड बाई साइड इस लड़के को बहुत ही गौर से देखते हैं। तब ये मास्टर इस लड़के से पूछता है कि आखिर तुम हो कौन, और फिर ये मास्टर अपने मन में कहता है कि ये लड़का यहाँ कब आया, मुझे इसके आने का प्रेजेंस फील क्यों नहीं हुआ। तब ये लोग कहते हैं ये तो कपड़ों से टाइलिंग सेट का वर्कर लग रहा है जो सेट में साफ सफाई और झाड़ू पोछे का काम करते हैं। जिस पर ये मास्टर बॉडी फॉर्म में आते हुए कहता है कि मैंने पूछा कौन हो तुम, तब ये लड़का बॉडी चिल स्टाइल में कहता है कि मैं तो बस टाइलिंग सेट का एक छोटा सा वर्कर हूँ, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो ऐसे आप लोग बताइए कि सीरीज आप लोगों को कैसी लगे और क्या हमें इसे कंटिन्यू रखना चाहिए या फिर नहीं।